प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने विकास खंड खोराबार के जंगल चौहरी में आयोजित किसान पाठशाला में किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार लगातार किसानों के आय को बढ़ाने के लिए कार्य कर रही है। प्रदेश सरकार का प्रयास है कि किसानों को नई और अच्छी तकनीकी जानकारी हो, जिससे कि किसान कम लागत में अधिक पैदावार कर सकें। कृषि मंत्री ने कहा कि इस किसान पाठशाला का मुख्य उद्देश्य है कि ज्यादा से ज्यादा किसानों को सरकार की योजनाओं और तकनीकी की जानकारी दी जा सके, जिससे किसानों को उन योजनाओं के लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि सरकार चाहती है कि कृषि विभाग किसानों से सीधा संवाद करे और किसानों को योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ दिलवाए। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने किसानों को सामान्य फसलों की खेती के साथ साथ पशुपालन, सब्जी के पैदावार करने के लिए आगे आने पर बल देते हुए कहा कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में किसानों के आय दुगनी करने के लिए सभी को मिलकर कार्य करना होगा। किसान पाठशाला में विधायक गोरखपुर ग्रामीण विपिन सिंह, जिला अध्यक्ष जनार्दन तिवारी, प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र शुक्ल और संयुक्त कृषि निदेशक ने भी लोगों को संबोधित करते हुए योजनाओं के बारे में जानकारी दी। योजनाओं को लाना नहीं चाहते, या ये हो सकता है कि हमको उसके बारे में पूरी जानकारी न हो, तो मैं तो ये चाहूंगा। अब जैसे मैंने इनसे पूछा कि भाई ये बताओ, तुम इस साल तुम्हारे गांव में, इस गांव के भीतर कितने लोगों ने कृषि का बीज कृषि विभाग से लेकर के आए हैं? तो इस साल जंगल चौरी का कोई किसान नहीं पहुंचा। उनसे मैंने पूछा कि भाई क्यों नहीं पहुंचा, तो उन्होंने कहा पिछले साल यहाँ के कुछ किसानों ने गेहूं के बीज लाए थे। जब क्लस्टर के अलावा थे तो वो फायदा तो उठा सकता था। बीज ग्राम योजना के भीतर 75% अनुदान पर आप उनको देते तो वो फायदा उठा सकता था। हमारा पहुंच कहाँ हो? सरकार ये चाहती है कि कृषि विभाग गांव के साथ सीधा संवाद करे किसानों के साथ। ये इसलिए ऐसा कर रहे हैं कि पिछले कुछ सालों से काम करने का स्वभाव ही बदल गया था सरकारी कर्मचारियों का। वो गांव में नहीं जाना चाहते थे, वो लोगों से बात नहीं करना चाहते थे। योजनाओं को कुछ लोग मिलकर के बांट टूट करके बराबर कर लिया करते थे। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार चाहती है कि हर योजना से हम जनता को अवगत कराएं और जो उसका पात्र है उसको उसका फायदा सीधे हम उसको पहुंचाएं और बीच से बिचौलिया रास्ते से हटाएं। और इसलिए किसान के साथ संवाद। यदि आपका 100 एकड़ का क्लस्टर पिछले साल था तो ये कहीं नहीं मनाही थी कि बीज ग्राम योजना के भीतर हम आपको नहीं देंगे।